यह है देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर और चौड़ाई 8 लेन है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेसवे का टोल प्लाज़ा, इंटरचेंज, रेस्ट एरिया और कितना काम और बाकी रहा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। अभी हम हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के गरौड़ जंक्शन पर। यहाँ इंटरचेंज द्वारा हम एंटर हो रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। इस एक्सप्रेसवे को हाई स्पीड वाहनों के लिए डेवलप किया गया है, इसलिए इसकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लो स्पीड वाले वाहनों जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और रिक्शा आदि को इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री नहीं दी जाएगी। वीडियो में आप देख ही सकते हैं अभी एक्सप्रेसवे की क्या स्थिति है। गरौड़ से उज्जैन को जोड़ने के लिए एक नए 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी दी जाएगी। एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल है, जिसमें आप इंटरचेंज के अलावा कहीं से भी एंटर और एग्जिट नहीं हो सकते हैं और न ही कोई जानवर एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। सुरक्षा की नज़र से देखा जाए तो एक्सप्रेसवे काफ़ी एडवांस और सुरक्षित हैं। एक्सप्रेसवे की कुछ जगहों पर अंडरपास, ओवरपास और ब्रिज का काम अभी बाकी है, जिसे कंपनियां काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट कर रही हैं। बाकी देखा जाए तो एक्सप्रेसवे को लगभग 90% कंप्लीट कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर हर 1 किलोमीटर पर एडवांस कैमरे, हर 10 किलोमीटर पर स्पीड डिटेक्टर कैमरे लगाए गए हैं, जिससे ओवर स्पीड से वाहन चलाने पर ऑनलाइन चालान बनाया जाएगा। दिल्ली से मुंबई तक की लंबी यात्रा के बीच आराम करने और अन्य सुविधाओं के लिए रेस्ट एरिया बनाए गए हैं, जहां आपको होटल, रेस्टोरेंट, ATM, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, दुर्घटना में मदद के लिए हेलीपैड और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एक्सप्रेसवे के हर 500 मीटर पर टेलीफोन बूथ लगाए गए हैं, जिससे एक्सीडेंट या किसी अन्य दुर्घटना होने पर हेल्प टीम कुछ ही समय में उस लोकेशन पर पहुंच जाएगी और ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर एयर एम्बुलेंस द्वारा लिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। अभी इस एक्सप्रेसवे में कुल 8 लेन हैं, जिसे आवश्यकता होने पर 12 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे के बीच में 21 मीटर की जगह छोड़ी गई है, ताकि ट्रैफिक बढ़ने पर इसमें दोनों ओर 2-2 लेन और बढ़ाई जा सके। आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे में एक इलेक्ट्रिक लेन भी बनाई जाएगी, जिसमें ट्रेनों की तरह बसें व ट्रक चलेंगे, जिसे वाहन फ्यूल का उपयोग न करके बिजली से चलेंगे। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए यह प्रोजेक्ट एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। एक्सप्रेसवे पर हजारों की संख्या में वाहन चलेंगे, जिसे प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर 20 लाख पेड़ लगाए गए हैं और हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। वर्ष 2024 के एंड तक इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।